हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी पैरामेडिकल वर्ल्ड। आज मैं बात करने वाला हूँ सीपीपी नेट एग्जाम के बारे में, यानी कि कंबाइंड पैरामेडिकल फार्मेसी एंड नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट। जो बच्चे इन कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं 2023 में, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा एंड तक देखिएगा, ताकि आपको हर एक बात अच्छे से क्लियर हो सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आए तो उसे जरूर लाइक कर दें। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो हमारा सीपीपी नेट एग्ज़ाम होता है, ये कराया जाता है उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज सफ़ई इटावा, ये कंडक्ट करवाती है हमारा सीपीपी नेट एग्ज़ाम। अगर मैं बात करूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की और क्या क्या कोर्सेज इसमें कौन कौन से कोर्सेज और कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, उनकी ड्यूरेशन कितनी है, तो हमारे जो कोर्स हैं वो है बीपीटी, बीऑप्ट, बीएमएलटी एंड बीआरआईटी। और जो बीपीटी है वो है 4.5, बीऑप्ट है 4 ईयर का है, जिसमें आपके 3 ईयर की आपकी जो होगी वो पढ़ाई होगी, और 1 ईयर का क्या होगी आपकी इंटर्नशिप होगी। बीएमएलटी में 3.5 एंड बीआरआईटी भी 3.5, जिसमें इन चारों में 60-60 सीट्स अवेलेबल हैं। और आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपके पास पीसीबी होना चाहिए 12th में। अगर आप अनुजाति के हैं तो आपकी 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए 12th में। अगर आप अनुजनजाति के हैं तो 45% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, और आपकी मिनिमम एज 17 होना चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं और कोर्सेज़ की। इसमें बी फार्मा भी है, बी फार्मा के लिए ये 4 ईयर्स का कोर्स होता है, इसमें कोई इंटर्नशिप नहीं होती है। और इसमें आपके 12th में अगर आपके पास मैथ्स भी है तो भी आप ये कोर्स कर सकते हैं, साथ साथ में इंग्लिश सब्जेक्ट भी होना कंपलसरी है। और इसमें भी आपकी 17 ईयर मिनिमम एज होनी चाहिए, उससे कम वाले इसमें एलिजिबल नहीं है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जीएनएम कोर्स है, डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, ये 3 ईयर्स का कोर्स होता है। इसमें टोटल 60 सीट्स हैं, और इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपको शो हो रही होगी स्क्रीन पर। 12th में आपके पास इंग्लिश होना ज़रूरी है, और 40% क्वालिफाइंग मार्क्स ज़रूरी है, और साथ ही या फिर आपके पास 10+2 मतलब कि 12th में इंग्लिश हो, 40% हो, और आपने एएनएम कोर्स कर रखा हो, या फिर आपके पास 12th में इंग्लिश हो, और साथ ही साथ आपके अगर वोकेशनल स्ट्रीम भी है आपके पास जैसे कि हेल्थ केयर साइंस, तो भी आप ये कोर्स कर सकते हैं। और अगर आपने रजिस्टर एएनएम भी पास कराए अच्छे मार्क्स से, तो भी आपके पास ये कोर्स करने की एलिजिबिलिटी है। और मिनिमम इसके लिए आपकी एज होनी चाहिए 17 ईयर्स, और मैक्सिमम एज होनी चाहिए 35 ईयर्स। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डिप्लोमा इन ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी एएनएम कोर्स है, ये ओनली फीमेल कैंडिडेट्स ही कर सकती हैं। 2 ईयर्स का कोर्स होता है, जिसमें आपकी 50 सीट्स हैं, और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको शो कर रहा हूँ। नेक्स्ट आपके डिप्लोमा कोर्सेज भी हैं बहुत सारे, जैसे कि डीओटी, डीएटीसीटी, डीऑप्टम, डीपीटी, डीडीटी, डीसीटी एंड डीसीटी स्कैन है और डीसीटी है। ये सारे कोर्सेज में आपकी जो डीओटी और डीएटीसीटी में 30 सीट्स है, रेस्ट कोर्सेज है उनमें 20 सीट्स है। और इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये आपके पास 10th में पीसीबी होना चाहिए, या फिर आप मैथ्स से भी हैं तो भी आप ये कोर्स कर सकते हैं। चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, चाहे कोई और अदर रिकॉग्नाइज बोर्ड से हो, आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। और आपकी मिनिमम एज 17 होना चाहिए, चाहे आपकी 16 ईयर्स एंड 11 मंथ भी हो तो भी आप ये कोर्स नहीं कर सकते। नेक्स्ट और भी हमारे पास डिप्लोमा कोर्सेज अवेलेबल हैं, जो कि हैं डीएमआरआई एंड डीबीटी, और इसमें भी आपकी इसमें 15 सीट्स हैं। तो जो मैं टोटल सीट की बात करूं, टोटल जो इस कोर्स में ऑल कोर्सेज में सीट्स अवेलेबल हैं वो हैं 600 सीट्स। आपके पास 600 सीट्स अवेलेबल हैं। तो मैं अगर बात करूँ कंबाइंड सारे कोर्सेज का मिलाकर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो अगर आपको ये जो कोर्स आपको शो हो रहे होंगे बी फार्म, बी एम एल टी, बी पी टी, बी आर आई टी, बी ऑप्टम, जी एन एम, ए एन एम, डी ओ टी, डी ऑप्टम, डी पी टी, डी डी टी, डी सी टी स्कैन, डी सी टी, डी एम आर आई, डी ई टी सी टी एंड डी बी टी, ये सारे कोर्स अगर आपके मैथ सॉरी अगर आपके पास बायोलॉजी मतलब बायोलॉजी स्ट्रीम है, पीसीबी और साथ ही इंग्लिश है, आप इन सारे कोर्सेज के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन अगर आपके पास मैथ्स है, बायोलॉजी नहीं है, तो आप कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं? तो आप कर सकते हैं बी फार्म, जी एन एम, ए एन एम, डी ओ टी, डी ऑप्टम, डी पी टी, डी डी टी, डी सी टी स्कैन, डी सी टी, डी एम आर आई, डी ई टी सी टी एंड डी बी टी, ये कोर्स आप मैथ्स से हैं तो भी कर सकते हैं। और अगर आप आर्ट्स कॉमर्स से हैं तो आप सिर्फ ए एन एम एंड जी एन एम ही कर सकते हैं। अगर आप आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं और अदर कोर्सेज से हैं, तो आप ओनली ए एन एम एंड जी एन एम के लिए ही एलिजिबल हैं। बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन की, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है और उसका क्या सिलेबस रहता है। तो आपका जो एग्ज़ाम होता है उसमें जो सब्जेक्ट्स रहते हैं, 2 पेपर्स होते हैं। अगर आप साइंस स्टूडेंट्स हैं तो आपको सिर्फ पीसीबी आएगी आपकी, अगर मैथ से आपके पास तो बायो की जगह मैथ आएगी, और फिजिक्स की आपके 33 क्वेश्चंस आएंगे, केमिस्ट्री के 33 आएंगे एंड बायोलॉजी के 34 आएंगे। अगर आप मैथ से हैं तो मैथ्स के 34 आएंगे, और ये आपका टोटल होगा 100 मार्क्स का एग्ज़ाम। नेक्स्ट
और अगर आप आर्ट्स के हैं, कॉमर्स के हैं और अदर है, जैसे कि मैंने बताया जो बच्चे जीएनएम और एएनएम हैं और उन्होंने उनके पास आर्ट्स कॉमर्स और अदर कोई स्ट्रीम है, तो उनका एग्ज़ाम जो होगा उनका भी एग्ज़ाम 100 मार्क्स का होगा और उनका जो सिलेबस रहेगा जनरल हिंदी आएगी, जनरल इंग्लिश एंड जनरल स्टडीज़ आएगी। अगर मैं बात करूं कोर्सेज़ की फ़ीस की, तो आपकी जो कोर्सेज़ की फ़ी रहती है वो आपकी जो ट्यूशन फ़ीस रहती है वो होती है 22,500 और अगर आप डिप्लोमा से हैं तो 18,000। आपकी जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस रहती है वो है 2,000 and 2,000 फॉर बोथ कोर्सेज, दोनों ही कोर्सेज की, और कॉशन मनी जो आपको रिफंडेबल होती है वो होती है 5,000। तो टोटल आपकी जो फ़ीस रहती है वो रहती है 29,500 फॉर द डिग्री कोर्सेज एंड 25,000 फॉर द डिप्लोमा कोर्सेज। अगर मैं बात करूं हॉस्टल फ़ीस की, तो हॉस्टल जो है आपको अगर आप 34,300 फ़ीस रहती है अगर आप डिग्री कोर्स कर रहे हैं और 29,800 रहती है अगर आप डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं। एंड वन थिंग आई फॉरगॉट टू टेल यू दैट जो आपका एग्जामिनेशन होता है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ना कि आपका रिटन टेस्ट रहता है, आपके कंप्यूटर पर आपका एग्ज़ाम होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज की अगर मैं बात करूँ कि इसके एग्जामिनेशन फॉर्म कब तक अवेलेबल हो जाते हैं, तो आपको जो एग्जामिनेशन फॉर्म अवेलेबल होते हैं वो जुलाई के मंथ में अवेलेबल हो जाते हैं स्टार्टिंग के। जो अगर मैं 22 की बात करूँ तो जुलाई के मंथ में आपको इसके एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल हो जाते हैं इन द स्टार्टिंग ऑफ जुलाई। और आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब तक आपके क्लोज होने के चांसेस हैं, आपको मिनिमम 15 डेज का टाइम मिल जाता है, 15 डेज का टाइम आपको मिल जाता है एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने का। और आपका जो एग्ज़ाम होता है वो होता है लास्ट ऑफ द जुलाई। अगर मैं ये लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग आपको डेटा बता रहा हूँ, शायद 23 में थोड़े से चेंजेस आ भी सकते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूँ तो अप्रॉक्स आपको जुलाई में एग्ज़ाम हो जाता है, जुलाई के ही टाइम पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल हो जाएंगे 23 में। सो मैंने सारी डिटेल्स आपको दे दी हैं अबाउट CPP नेट एग्ज़ाम के बारे में। सो दैट आई होप दैट यू लाइक द वीडियो एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।